हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक कुमार सिंह। वेलकम सी यू ऑल इन अवर यूट्यूब ई लर्निंग चैनल गुरु दीक्षा। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान की लाइफ में ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो स्टूडेंट हो या प्रोफेसनल। तो इस कंटेंट के बारे में अधिक जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिर तक, और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मुझे बहुत सारी कंटिन्यूस मेल आ रही है कि सर हमें प्लैगरिज्म के बारे में बताइए। प्लैगरिज्म एक ऐसा चीज है, चाहे आप बीटेक में हो, एमटेक में हो, पीएचडी में हो, इनफैक्ट आप टेक्निकल फील्ड के अलावा आप किसी दूसरे फील्ड में हो, आप चाहे बीएससी कर रहे हो, एमएससी कर रहे हो, आप किसी भी फील्ड में हो, ये प्लैगरिज्म चेक एक ऐसा चीज है जो आपको हर फील्ड में जरूरत पड़ता है। तो चूंकि ये रिक्वेस्ट काफी दिनों से मेरे पास आ रही है और आज मेरे पास थोड़ा टाइम है, तो मैं चाहता हूँ कि आपको इस प्लैगरिज्म टेस्ट के बारे में बता दूँ, और ये आपको आगे चल के बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बना के और आपके सामने खोल के रखा हुआ है, और प्लैगरिज्म को पहले समझते हैं कि प्लैगरिज्म होता क्या है। प्लैगरिज्म का मतलब होता है कि आप अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर कोई थीसिस लिख रहे हैं या किसी तरह का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो है वो कितना परसेंट दूसरे का कॉपीड है। इसका मतलब आप जो कंटेंट इसमें डाल रहे हैं, ये दो तरीके से डाल सकते हैं। एक तो आप खुद से क्रिएट करके डालिए, और दूसरा क्या होता है कि आपको अगर कोई स्टेटमेंट या कोई डेफिनेशन नेट से पसंद आई है तो आप नेट से निकाल करके उसको इसमें पेस्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है बहुत जगह पे कि जैसे कि हम बीटेक लेवल पे या एमटेक लेवल पे देखते हैं, हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है, थीसिस बनाना होता है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट और वो थीसिस तभी वैलिड है जब उसकी ये जो कॉपीड रेट है वो 15% से कम हो। इसका मतलब कि इस पे 15% से ज़्यादा कॉपी किसी दूसरे का कंटेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये आपका वैलिड नहीं कहलाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा कि आप एक डॉक्यूमेंट बना के, एक हार्ड वर्क करके, एक अच्छा खासा डॉक्यूमेंट जब बनाते हैं और उसके बाद आप उसको सबमिट करते हैं और उसके बाद आपको पता चलती है कि आपकी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं है, तो ये काफ़ी निराशादायक बात है। तो आज इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके मैं आया हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी सारी अपडेट्स आपको मिलती रहे। और चूंकि हमारे चैनल की बहुत सारी वीडियोस आ चुकी है जिसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपके पास टाइम हो तो आप जरूर जाके देखें, और मुझे उम्मीद है आप सभी को ये चीज़ पसंद आएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का प्लैगरिज्म चेक। सबसे पहले आपको, जैसा कि मैंने देख रखा है, खोल रखा है, आपको पहले जाना है यहाँ पे गूगल पे जाके आपको लिखना है प्लैगरिज्म चेक। ये जो आपको मिल दिख रहा है PLAGIARISM टेस्ट, इसको आप जो है आप हमारी वीडियोस से जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप मोबाइल से फोटो खींच सकते हैं। ये थोड़ा डिफिकल्ट नेम है एक बार के लिए, इसलिए आपको इसको बार बार रिपीट करना होगा। तो ये प्लैगरिज्म टेस्ट क्या होता है मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए, इसको क्लिक करने से हमारा एक जो है वेब पेज खुला है जिसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है उसको आपको क्लिक करना होगा, जिसपे लिखा है प्लैगरिज्म चेकर 100% फ्री ऑनलाइन प्लैगरिज्म डिटेक्टर। तो आइए अब मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ कि इसको कैसे हम यूज़ करते हैं और कैसे आपका कोई भी डॉक्यूमेंट जो है विद इन फ्यू मिनट्स, और ये आप कह सकते हैं अगर आपकी जो प्रोसेसर है वो काफ़ी फास्ट है तो विद इन फ्यू सेकंड्स आपकी डॉक्यूमेंट की कितनी वैलिडिटी है, कितना आपका कंटेंट कॉपीड है, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको तुरंत पता करके बता देता हूँ। अब आप देखिए, इसमें ऊपर में आपको यहाँ लिखा है प्लैगरिज्म चेकर, और उसके नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स के लिए आपको दिया है जहाँ पे आपको आपका कंटेंट कॉपी पेस्ट करना है। इस एप्लीकेशन की एक लिमिटेशन है, बस वो इतना है कि चूंकि हम यहाँ पे फ्री चेकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें आपको मैक्सिमम जो वर्ड लिमिट मिलेगी वो मिलेगी 1000 वर्ड्स की। तो अगर आपका कंटेंट 1000 वर्ड से ज़्यादा है तो आप इसको जो है डबल, ट्रिपल और जितने बार में मल्टीपल टाइम्स में आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है और उसके बाद चेक करना है। मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे ये चेक किया जाता है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आप चेक करते हैं और अगर आपको पता चलता है कि आपका कुछ स्टेटमेंट कॉपीड है तो आप उसको कैसे एडिट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से एक बार। अब आप इस टेक्स्ट बॉक्स को देख रहे हैं, मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी खुली हुई डॉक्यूमेंट के पास। ये देखिए, ये मैंने डॉक्यूमेंट आपके लिए बना रखी है। अब मैं इसको चेक करूंगा कि ये कंटेंट मेरा कितना परसेंट कॉपीड है इंटरनेट से। अब मैं इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ चलते हैं, यहाँ पे करता हूँ इसको पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको यहाँ टोटल वर्ड्स कितना इस्तेमाल हुआ है, 289, मतलब अभी भी बहुत सारी वर्ड्स की यहाँ पे स्पेस बाकी है। लेकिन मेरा डॉक्यूमेंट मैंने छोटा बनाया था इसलिए इसमें मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको आपकी कॉपीड सेंटेंस और कैसे आप प्लैगरिज्म चेक करते हैं। अब बस आपको इतना करना है, नीचे जाना है, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन है जिसमें लिखा है चेक प्लैगरिज्म और दूसरा है चेक ग्रामर।
तो ये एक बहुत अच्छा फीचर्स इसमें दिया हुआ है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसमें आपको प्लैगरिज्म मतलब आप कितना परसेंट कॉपी है वो, और साथ ही साथ आपको उस सेंटेंस में आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक कितना है और कितना आपका जो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट होता है वो कितना अच्छा दिख रहा है, इसको आप चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको यहाँ पे प्लैगरिज्म चेक करके दिखाऊंगा कि मेरा ये जो डॉक्यूमेंट है ये कितना परसेंट कॉपी है और कितना परसेंट ओरिजिनल है। ये इसमें हो सकता है कि आपको कुछ फ्यू सेकंड्स लगे, लेकिन कोई नहीं, ये गूगल का है, इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अब आप देखिए यहाँ पर रिजल्ट दिखा रहा है जिसमें आपको पता चल गया होगा अब कि ये मेरा कितना परसेंट कॉपीड है और कितना परसेंट यूनिक है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन में जो दिखा रहा है 56% जो है मेरा कंटेंट जो है वो ओरिजिनल है, मतलब ये कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया या किसी भी वेबसाइट से कॉपीड नहीं है, और जो 44% जो कंटेंट है बस उतना ही मेरा कॉपीड है। अब ये 44% कॉपीड सेंटेंस कहाँ कहाँ पे है वो आपको कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए आपको बस एक छोटा सा एफर्ट करना है, वो करना है आपको, आप यहाँ से देखिएगा तो आपको उतना खास समझ नहीं आएगा, आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप कीजिए डाउनलोड रिपोर्ट। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे 5 ऑप्शन आपको दिख रही है जिसमें आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें लिखा है डाउनलोड रिपोर्ट। अब आप देखिए मैंने रिपोर्ट को डाउनलोड कर रहा हूँ। अब रिपोर्ट को डाउनलोड करने के बाद देखते हैं कि इसमें कितना कितना हमारा जो है कॉपीड है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, जिन्होंने लाइक नहीं किया है वीडियो को काइंडली जाकर के लाइक कर ले। ये हमारा रिपोर्ट हो गया है डाउनलोड। अब देखिए ये मेरा जो है इसमें आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा स्टेटमेंट मेरा कॉपीड है। जो ये हाइलाइटेड है वो है प्लैगरिज्म स्टेटमेंट, और जो बाकी है वो है ओरिजिनल स्टेटमेंट। अब आप सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, अगर आपको अपने कंटेंट में इसको पता करना है तो आप यहाँ से जाइए, आप अपने डॉक्यूमेंट खोलिए जहाँ से आपने इस चीज़ को कॉपी किया था। आपको बस उतना करना है कि इसमें इसको हाईलाइट कर देना है। मान लीजिए कि यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हैं इस स्टेटमेंट को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, मुझे पता है आप लोगों को ये नहीं दिख रही होगी, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये साफ साफ आपको आप सभी व्यूअर्स को दिखे। देखिए यहाँ पे मेल्टिंग स्नो एंड आइस, यहाँ से मेरा कॉपीड है। तो अब मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि मेरा मेल्टिंग स्नो एंड आइस कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिलेगा मेल्टिंग स्नो एंड आइस, ये जो है मेरा प्लैगरिज्म स्टेटमेंट है, कॉपीड स्टेटमेंट है। इसको मैं यहाँ पे जाके अब करने वाला हूँ हाईलाइट, ताकि मैं बाद में जा करके एक ही बार में इन सब को जो है एडिट कर सकूँ एज पर आवर कन्वीनियंस। जैसे मैंने इसको हाईलाइट कर दिया तब आपको ये बाद में याद रहेगी कि हाँ ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कंटेंट है, ये मेरा कॉपीड है, ये ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है, जिसको भूले भटके हमने या तो फिर अपने मन से डाला है। लेकिन ये बहुत जगह पे एक्सेप्टेड नहीं होता है, क्योंकि आप कॉपी करके आप अपना थीसिस नहीं सबमिट कर सकते, और ये सिर्फ टेक्निकल फील्ड में ही नहीं नॉन टेक्निकल फील्ड में भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको रिपोर्ट बनाना पड़ता है, आपको थीसिस सबमिट करना पड़ता है, अगर आप ब्लॉगर है तो आपको ब्लॉगिंग करना पड़ता है, ब्लॉगिंग में तो आप जान ही रहे कॉपीराइट इशू ना आ जाए, इसलिए आपको बहुत सचेत होकर के ये सारी काम करनी पड़ती है। अब मैं इसकी इस रिपोर्ट की एक और खासियत बताऊंगा आपको। जैसा कि मान लीजिए आपको इतना पता चल गया कि हाँ मेरा 44% जो है कंटेंट कॉपीड है, प्लैगरिज्म है, तो अब ये कंटेंट कहाँ से कॉपी है अगर आप वो सोर्स जानना चाहते हो तो वो भी काफ़ी आसान से आपको मिल जाएगा। आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे सोर्सेस दिया हुआ है, जो भी मैंने कॉपी कंटेंट अगर कंटेंट कॉपी किया है तो वो कहाँ से मैंने कॉपी किया है उसके बारे में जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पे एक लिंक प्रोवाइडेड है ग्रीन कलर में, और इस लिंक को अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये मुझे डायरेक्ट उस सोर्स तक ले जाएगा जहाँ से मेरा ये कंटेंट कॉपीड है। अब आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतना परसेंट जो कंटेंट मेरा कॉपी है वो यहाँ से कॉपी है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अगर सीखना है कि कैसे जो मेरा कॉपीड कंटेंट है उसको हम चेंज कर सकते हैं विद इन फ्यू मिनट्स विदाउट एनी मच एफर्ट, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आपने लाइक कर भी दिया होगा, और जिन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है वो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमारे चैनल की सभी वीडियोस आपके पास पहुंच जाएगी सबसे पहले। तो अब उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको सिंपल इतना करना है, आपको प्लैगरिज्म चेकर गूगल में खोलना है, उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर वेबसाइट को खोलना है, और वहाँ पर जहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा वहाँ पर आपको आपका कंटेंट पेस्ट करना है। लिमिटेशन यही है कि सिर्फ ये एक बार में 1000 वर्ड्स पे ही प्लैगरिज्म चेक कर सकता है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो का तरीका समझ आ गया होगा, तो चाहे कितनी भी वर्ड्स की सेंटेंस रहे आप इजीली चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले कॉन्सेप्ट के साथ, किसी अगले टॉपिक के साथ। सो आई एम अभिषेक कुमार सिंह साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।